जहर का दिया हुआ जहर किस दिन काम आएगा। फूल की सारी पंखुड़ियां झड़ जाएंगी उस दिन हमारे बीच से सुल्ताना भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। लौंडे, जानते हो ना कि लाल रंग देख के ये सांड कुछ ज्यादा ही बरगलाते हैं। हमारा कहना है इस फूल को फेंक दो। बोली तो है, देखिए इनके हाथ में लाल रंग का फूल है। किसे बचाओगे, जान को या मोहब्बत को? कैसे बचाऊंगा? इसे लाल रंग देखकर गुस्सा आता है ना, अब इसी का गुस्सा इसी पर आजमाऊंगा। Thank you.
ये किसकी हंसी की आवाज है? चिराग का जिन अलादीन के जिन्नात के साथ, इसका मतलब ये अलादीन के साथ मिला हुआ है। आज मैं हार गया तो मेरी मोहब्बत हार जाएगी। मुल्क हार जाएगा। मां हार जाएगी। और मेरे होते हुए मां हार जाए, अलादीन इतना बुरा बेटा भी नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही अपनी मोहब्बत को हारने दूंगा। चिड़ी क्या हुआ? चिड़ी 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 लौंडे, सोचा ना था कि ये मुमकिन होगा, लेकिन अब हम तुझसे पहले से ज्यादा नफरत करने लगे हैं। फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन हमारी नफरत और दुश्मनी दोनों का रंग और गहरा हो गया है, याद रखना। आंखें खोलो नचड़ी, नचड़ी, नचड़ी। चिराग के जिन, बल्ला बल्ला बीबी, छा गई गरीबी, जहर ने हमारी बातें सुन ली।
आप यहाँ आ गई। अब मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि ये ना समझ समझते हैं कि हमें बेवकूफ बना जाएंगे। कमाल है। मेरा नाम भूल जाता, मेरे भाईजान का दिया हुआ अर्थ भूल जाता, फिर भी मैं तुझे माफ कर देती। पर तू तो अपनी औकात भूल गया गद्दार। चीनी मिनी, चाटा तो इसे पड़ा, डर तुम लोगों को हुआ? क्या बात है, बड़ा पुराना साथ लगता है तुम लोगों का। अब सजा में भी इसका साथ दो। मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है। मेरा नाम कोई चिराग का जिन या गुलगुला नहीं, मेरा नाम जीनू है, जीनू। पर मेरा काम है मेरे अपनों की खुशियों में, उनके गम में उनका साथ देना, उनके साथ खड़े रहना। इसीलिए मेरी औकात तुम्हारी औकात, तुम्हारे भाई की औकात से कहीं ऊंची है। कहां तक तुम पहुंच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। रही बात इन्हें चोट पहुंचाने की, तो उससे पहले तुम्हें मुझसे होके गुजरना होगा। सुना, तू सिर्फ मेरे भाई का दो कौड़ी का गुलाम है, गुलाम। मैं तेरे उस दो कौड़ी के भाई की गुलामी नहीं, बल्कि अपनी अम्मी की इबादत करता हूं। इनसे और अपने हमेशा वाले भाई अलादीन, नाम तो सुना होगा, से मोहब्बत करता हूं। तू ये सब नहीं समझेगी, इसलिए बस इतना जान ले कि मैं इन लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, यहां तक कि मैं मौत से भी लड़ सकता हूं। अब देख तू मेरा कहर, हवा में उड़े जहर। छोड़ मुझे। Yeah.
भाईजान, ये आपका जिन गद्दार है, ये अलादीन के साथ मिला हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा। देख तो हमने भी लिया शहर। जीनी मिनी, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आज हमने जो भी किया वो नहीं करना चाहिए था। हाँ चाचा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आका को पता चल गया तो? गद्दार, गद्दार! अगर मुझे मेरे हमेशा वाले भाई ने मुझे तेरे सामने अगर कुछ कहने से नहीं रोका होता ना, तो मैं तुझे ऐसा करारा जवाब देता। सफर? सफर? और भाईजान, वो जो उस दिन जश्न में 3 अदाकाराएं आई थी ना, वो ये अलादीन और वो सूबेदार गुलबदन और ये आस्तीन का सांप थे। तब से आपकी आंखों में धूल झोंक रहे। कसम खुदा की, दिल तो कर रहा है कि तुम्हें पूरा का पूरा आग में झोंक दें। जिनू, आका, क्या हुआ, क्यों इतना हैरान? अच्छा यही कि ये सब क्या हो गया? ये सब तेरी बदकिस्मती की वजह से हुआ। कुछ देर पहले बहुत खुश हो रहा था ना, तो तुझे तेरी महबूबा मिल गई। तो लो, हमारे इन चुनिंदा बेवकूफ साथियों की वजह से और तेरी बदकिस्मती की वजह से मैं पता चल गया कि ये अरे आखिर तुम्हारा जीनू है। एक जरूरी ऐलान गौर फरमाए, अलादीन साहब के लिए रिश्ते नाते भाई बहन माँ बहुत अहमियत रखते हैं। ये जो तुम्हारा भाई है ना, कसाई के हाथ लग गया है। कसाई इसका तो वो हम हशर करेंगे, पाया बनाएंगे, कीमा भुनेंगे, न जाने क्या क्या। और तू कुछ नहीं कर पाएगा। इसके चिराग तक पहुंचना तेरे लिए नामुमकिन होगा बेटा। चिराग के जिन, जहर को आजाद करो। यह हमारा हुक्म है। हुक्म
मेरा जादू जाए ठहर, आजाद हो जाए ये जहर। बेहतरीन। अच्छा वैसे जब हम लोगों को देखते हैं इस तरीके से हाथ बंधे हुए खड़े हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए तुम अपने आप को बांध दो। मम्मी की दुआ है मेरे साथ, बंध जाए मेरे हाथ। अम्मी या अल्लाह, मेरे रसूल, मेरे बच्चों की हिफाजत कीजिए। वही अम्मी। भाईजान, क्या आप इस गद्दार को ऐसी सजा दीजिएगा, ऐसी सजा दीजिएगा कि जिंदा तो रहे पर मौत के लिए तरसे। आप इसे इतना बस, बस। अब क्या हो गया सफर? तुम मुझे बदकिस्मत और खुद को खुशकिस्मत कहता है ना, इस लम्हे को अपनी खुशकिस्मती का तोहफा समझकर ये समझ कि तुझे जिंदगी में कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है। जिनू का आका होने के नाते उसे माफ कर दे। एक ही जिंदगी में कितने गुनाह करेगा तू? जितने तू करवाएगा। अंगूठी का जिन, आप चिराग का जिन, और अपने कितने अजीजों को कुर्बान करेगा है? चल बच्चा हार मान जा, चल। कैसा इंसान है? बहुत बुरा। माफी, रहम, ये सब अल्फाज हमारी समझ में ही नहीं आते। देखो मियां, ना हमने अंगूठी के जिन को छोड़ा, ना तुम्हारे इस चिराग के जिन को छोड़े। तू और ये तेरी शहजादी दोनों साथ में मिलकर भी हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे तब भी नहीं। चाहे तू और तेरी ये पूरी टोली हमारी गुलामी करे तब भी नहीं। सफर, तेरी वो अम्मी आकर हमारे दरवाजे पर अपनी नाक रगड़े तो भी नहीं। इसकी अम्मी को हम रानी, नौक रानी बनाकर रानी सफर, सफर। तुझे खत्म कर सकता हूं। मैंने ही तेरी सोन मीनार को खत्म किया, तेरी शहर के शहर को खत्म किया, और तो और तुझे जादूगरनी मलिका तक पहुंचने से रोका और रोकता रहूंगा। और अगर तूने मुझे और गुस्सा दिलाया
तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। बल्कि स्नेक काम में देरी कैसी? आओ अपने असली हुलिया में वापस आ जाओ, यह हमारा हुक्म है। दुनिया के सबसे ताकतवर जिन मारा चिराग हमारे पास है, इसलिए तुम दुनिया के सबसे ताकतवर जिन तो हो लेकिन हमारे गुलाम हो। जफर, क्या जफर जफर लगा रखा है पूरे सफर में? जफर जफर जफर, और बड़े 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 अजीब किस्म के आशिक हो तुम। महबूबा की तबीयत बिगड़ रही है, ख्याल रखो उनका। तुम्हारे भाई का हम ख्याल रख लेंगे। हम वैसे चाहते तो हमारे जिन से कहकर तुम्हें अभी खत्म कर सकते थे, लेकिन मजा और लुत्फ इस बात में आता है जब दुश्मन को धीरे धीरे परेशान किया जाए और उसे मौत दी जाए, उसमें लुत्फ आता है। जिंदा छोड़ रहे हैं, इसी को मेहरबानी समझ लेना। चिराग के जिन, हम तीनों को वापस ले चलो। आका, हमें माफ कर दीजिएगा। हमें पता ही नहीं था कि हमारा एक छोटा सा कदम सब कुछ बर्बाद कर देगा। कालीन, प्यारी परेशानी जी की हालत काफी खराब लग रही थी। हमेशा वाला भाई भी कितना परेशान लग रहा था, वो दोनों ठीक तो होंगे? तेरे साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए या तोड़ना? तो हमने कभी सीखा ही नहीं, है ना सर? अरे इसे छोड़िए भाईजान, ये तो एक दो कौड़ी का गुलाम है। आप मलिका के बारे में सोचिए, क्योंकि वही हमारी असली मंजिल है। नहीं नहीं जहर, लौंडे अलादीन को लेकर हमारे अंदर बहुत बहुत नफरत और गुस्सा है। जब तक हम उसे और उसके इस भाई को सजा नहीं दे देते ना, हमें सुकून नहीं मिलेगा। तेरा गुनाह गुलाम, तेरा गुनाह बहुत बड़ा है। तेरी ये हिमाकत कि तू सफर की बहन के साथ बदतमीजी करे, इसलिए तुझे दो चीजें देना
बनता ही है एक दर्द। दूसरी बात, आपकी दवा का असर हो रहा है ना? नचड़ी पहले से बेहतर लगती दिख रही है आपको। लाडले, तेरी बेचैनी समझ सकता हूँ, पर सुल्ताना को इस बदहाली की खाई से निकलने के लिए मुझे थोड़ा सा ही सही, लेकिन वक्त तो दे लाडले। आपको भी मैं खो चुका हूँ और नचड़ी भी इस हालत में, जिन्हों का सच भी जफर के सामने आ गया, सब गलत हो रहा है। का ये हमारी वजह से हुआ, हमारी गलती है। आका, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, इसलिए आप अपनी नाराजगी हम पर निकाल लीजिए। पर लोग बच्चे नहीं हो जो मैं तुम लोग से नाराज, लेकिन आज तुम लोग ने किया मुझे मायूस कर दिया। ये जानते हुए भी कि जफर के खिलाफ हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार था जो तुम लोगों ने, मैं जानता हूँ गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हमारे जंग के इस मुकाम पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन तुम लोग अब तक समझ नहीं पाए। मैं अंगूठी छाप को खो चुका हूं, अब किसी और को नहीं खो सकता, ना तुम लोगों को खो सकता, ना अपने भाई जिनू को, नहीं मेरे भाई जिनू के साल में होगा। आज तुझे और तेरे चिराग को खत्म कर देंगे। आज पता है जफर, पहली बार मैं तेरी किसी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं। मैं कोसता हूं उस दिन को जिस दिन जादूगरनी मलिका ने मुझे जिन बनाकर इस चिराग में कैद कर दिया था। खत्म कर दे इस चिराग को और आजाद कर दे मुझे। पहली बार कोई अच्छा काम कर, लेकिन अपने बलबूते पे। उस्ताख, बदतमीज, जाहिल, और इस जहालत के लिए आज हम हमारे चिराग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।
आपने सुना इसने क्या कहा? इसने कहा कि इसका चिराग मलिका ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो या अल्लाह भाईजान, अगर मैं ना होती तो आपका क्या होता? मलिका ने अपने हाथों से इसका चिराग बनाया है। तो अपने हाथों से बनाई हुई चीज पर बनाने वाले के उंगलियों के निशान रह जाते हैं भाईजान। इसका मतलब ये हुआ कि हम अब भी इस चिराग के जरिए मलिका तक पहुंच सकते हैं भाईजान। तीनों की जान मेरी वजह से खतरे में है। मैंने क्या कर दिया? काश मैं अपने भाई जीनू की मदद कर पाता, लेकिन अगर मैं नक्चड़ी को फौरन लेकर नहीं आता तो ना जाने क्या हो जाता। पता नहीं मेरा भाई किस हाल में होगा। ये कैसी मजबूरी है, ये कैसी मजबूरी है आका? मत की डोर मत छोड़ लाडले, ऊपर वाला जरूर कोई रास्ता दिखाए। चिराग, चिराग। नक्चड़ी, नक्चड़ी। काले चोर। शीत जिनों का चिराग वापस ले आओ। जहर सब खत्म कर देंगे। मतलब खाली जो शेख जिनों का चिराग वापस ले आओ। नक्चड़ी, नक्चड़ी। सुल्ताना देखो, हम सबका साथ और रुखसार बहन का प्यार और उनकी देखभाल इन्हें सदमे से बाहर ला सकते हैं। मैं रुखसार बहन को बुलवाता हूं। नक्चड़ी ने अभी अभी जो कहा उसका क्या मतलब हो सकता है? शहर और सफर क्या करने वाले? सब बात में नक्चड़ी, अम्मी के आने तक हिम्मत रखो। अभी हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और जल्दी ठीक हो जाओ। कल अगर हमारी बहन ने तुम्हारे चिराग को तोड़ने से हमें रोका नहीं होता तो तुम कब का खत्म हो चुके होते। जाने कहां है वो। अपना वक्त तो बर्बाद कर ही रही है, साथो साथ हमारा वक्त भी बर्बाद कर रही है। भाईजान इधर आइए। ये पन्ना मैं अम्मी जान की किताब से लेकर आई। इसमें लिखा है कि जादूगरनी मलिका ने अपने हाथ से कई सारी चीजें बनाई थी और जिन्हें बनाते वक्त उन्होंने एक जादुई पारे का इस्तेमाल किया था।
और अगर वाकई इस जिन के चिराग को भी मलिका ने अपने हाथों से बनाया है तो इसमें भी वो जादुई पारा जरूर होगा।